सो है गाइस, आज जो करेंगे हम लोग 2023 की मेरी क्रिसमस वाला फ़ोटो एडिटिंग। तो अगर आपको भी करना है इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग तो क्या करना होगा, आपको दो चार PNG को डाउनलोड कर लेना होगा। तो PNG को अगर आपको डाउनलोड कर लेना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप भी जाके डाउनलोड करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, प्लस पर आइकन को क्लिक करके एडिट फोटो पर जाना होगा। और हमें क्या करना होगा, हमें मेरी क्रिसमस वाला फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए हमें उस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो हम लोग इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, इस वाले बैकग्राउंड के कलर को कुछ ज़्यादा करना होगा। तो कलर को हम लोग, तो इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, टूल्स पर क्लिक करके हमें एडजस्ट पर जाना होगा। तो एडजस्ट पर जाने के बाद हम लोग कुछ इस टाइप के कलर को SD कर लेते हैं। तो कलर को इस तरीके से कर लेते हैं ताकि फ़ोटो में प्रोफेशनली देखने को मिले। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमें टिक्स पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना होगा। तो फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद फिर से टूल पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, रिसाइज पर जाना होगा। रिसाइज पर जाने के बाद हमें क्या करना होगा, मैं कुछ ज़्यादा टाइप करके देखना होगा कि हमारे साइज है वो कैसे है। तो 29:36 आया, तो हमारा जो साइज है वो आ चुका है। अब क्या करेंगे, फिर से हमें हमारी जो मॉडल है मॉडल को ऐड करेंगे। तो मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मॉडल को कर लेते हैं ऐड। तो हमारा जो मॉडल है मॉडल को इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। तो मॉडल को इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो मॉडल को हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे। तो फ्लिप कर लेने के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कर देना होगा। तो हमारा जो मॉडल है वो ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे, टूल्स पर क्लिक करके हमें एरेज पर जाना होगा और हमारे जो बाकी के पार्ट है वो हम लोग ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि रियलिस्टिक देखने को मिले। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, टूल्स पर क्लिक करके एरेज पर फिर से हमें हार्डनेस को थोड़ा ऐसे रखेंगे और ओपनेसिटी को थोड़ा ऐसे रखेंगे। तो ऐसे तो हमारे जो कैप दिख रहे हैं तो कैप को हम लोग कर लेंगे क्रॉप। तो कैप को ऐसे कर देंगे ताकि हमें सेंटा क्लॉस के जो कैप है वो मेरे क्रिसमस वाले कैप को ऐड कर सके। तो इस वाले कैप को ऐसे ऐसे कर देंगे। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमें फ़ोटो को कर लेना होगा सेव। तो फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से हमें टूल्स पर क्लिक करके हमें कलर एडजस्ट पर जाना होगा। तो एडजस्ट कर लेते हैं कलर को, हमारे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे कलर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो कलर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से हमें ऐड फोटो पर क्लिक करके हमें अपने PNG को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो PNG को कर लेते हैं सिलेक्ट। तो हमारा जो PNG है वो PNG इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से PNG को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो PNG को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें थोड़ा ऐसे कर देना होगा और नीचे की ओर ऐसे लगा लेना होगा। टूल्स पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, हमारे जो PNG है PNG को इस तरीके से ऐसे कर लेना होगा। तो ऐसे कर लेते हैं ताकि रियलिस्टिक देखने को मिले। तो इस तरीके से कर लेने के बाद क्या करना होगा, फिर से हमें टिक्स पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना होगा। फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद और एक PNG को ऐड करना होगा। तो और एक PNG को ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले PNG को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले PNG को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों PNG को सिलेक्ट कर लेने के बाद ऐसे हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे ताकि हमें हमारे जो गिफ्ट है वो गिफ्ट यहाँ पर शो हो सके। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमें फिर से क्या करना होगा, टूल्स पर क्लिक करके हमें नीचे की ओर थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर देना होगा ताकि हमें हमारे जो गिफ्ट है गिफ्ट को प्रोफेशनली देखें। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको कर लेंगे कॉपी। तो कॉपी कर लेने के बाद इधर से हम लोग दोबारा से ऐसे बैठा देंगे और इसको थोड़ा बहुत कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी कर लेने के बाद इसको छोटा कर लेंगे। तो इसको छोटा कर लेने के बाद हमारे जो गिफ्ट है वो ऐसे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करके हमें एक PNG को और सिलेक्ट करना होगा। तो एक PNG को और सिलेक्ट कर लेते हैं। तो
तो इस वाले पीएनजी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले पीएनजी को हम हमारे जो हैंड में हैंड दिख रहे हैं तो हैंड के और ऐसे लगा देंगे ताकि देखने को मिले कि ये कुछ कुछ टच कर रहा है। तो वहाँ से लाइट आने से हमारी जो फ़ोटो है वो काफ़ी प्रोफेशनली देखने को मिली। तो अपने स्विच को थोड़ा कम करके ऐसे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कर लेने के बाद अब क्या करेंगे, फ़ोटो को कर लेंगे सेव। तो फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद हमें फिर से चले जाना होगा, इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। कहाँ पर? स्नैपचैट पर। सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, टूल्स पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, हमें कर लेना होगा सिलेक्टिव पर। सिलेक्टिव पर सिलेक्ट करके हमें क्या करना होगा, हमारे सर्कल है, सर्कल हमारे फेस पर रख के हमें क्या करना होगा, जूम करना होगा। तो जूम कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, थोड़ा बहुत हमारे जो कलर को एडजस्ट कर लेंगे। तो आगे पीछे करके हम लोग कलर को एडजस्ट कर लेंगे। तो कलर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, टूल्स पर क्लिक करके फिर से हमें सिलेक्टिव पर सिलेक्ट करके हमें क्या करना होगा, हमें इस वाले हैंड पर ऐसे ऐसे छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद फिर से हमें उसी तरीके से आगे पीछे करके हमारे जो कलर है कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कलर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से टूल्स पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, ट्रून इमेज पर जाना होगा। ट्रून इमेज पर जाने के बाद थोड़ा बहुत डाउन कर लेंगे। इसको डाउन कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से हमें इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देना होगा। तो इसको आगे बढ़ा देने के बाद इसको थोड़ा बहुत ऐसे कर लेंगे। ऐसे कर लेने के बाद फिर से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हमारा जो फ़ोटो के कलर है वो काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कर लेने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, डिटेल्स पर जाना होगा और हमारे डिटेल्स को थोड़ा बहुत ऐसे कर लेंगे। डिटेल को इस तरीके से कर लेने के बाद फ़ोटो को कर लेंगे सेव। फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद तो फोटो को इस तरीके से सेव कर लेने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, लाइट रूम पर सिलेक्ट कर लेना होगा इस वाले फ़ोटो को। तो लाइट रूम अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइट रूम पर सिलेक्ट कर लेंगे। लाइट रूम एप्लीकेशन को पर ओपन कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, कलर पर जाना होगा और हमारे जो कलर है कलर को एडजस्ट कर लेंगे। तो कलर को हम लोग कर लेते हैं एडजस्ट। तो कलर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। कलर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे आगे पीछे करके हमारे जो कलर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि हमारे फेस के कलर जो है वो प्रोफेशनली देखने को मिले। तो इस तरीके से कलर को एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से इफेक्ट पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, टेक्चर को थोड़ा बहुत बढ़ा देना होगा। टेक्चर को थोड़ा बहुत बढ़ा देने के बाद हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक को थोड़ा बहुत डाउन कर लेंगे। तो डाउन कर लेने के बाद हमारे जो चारों तरफ है वो ब्लैक ब्लैक सर्कल देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कर लेने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से हमें चले जाना होगा लाइट पर। तो लाइट पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेने के बाद थोड़ा बहुत इसको डाउन कर लेंगे। डाउन कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से कलर पर जाना होगा और कलर पर जाने के बाद हमारे जो ऑरेंज कलर है ऑरेंज कलर को थोड़ा बहुत ऐसे रखेंगे। तो ऑरेंज कलर को इस तरीके से रख लेने के बाद हमारे जो फ़ोटो है वो कुछ इस टाइप की देखने को मिली है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।